आप अभी कहाँ निकल रहे हैं, हम किस साइड चल रहे हैं? इधर निकल रहे हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रानीखेत वाले। अच्छा, उस साइड रोड पे जा रहे हैं। तो इधर क्या रहता है, इस साइड कुछ है मतलब साइटिंग के चांसेस रहते हैं? ये ऊपर जो जंगल तरह कभी टाइगर ऐसे नहीं होता, कभी ऊपर नीचे क्रॉस करता रहता है। अच्छा। ये ऐसे नहीं, जिम कॉर्बेट 300 टाइगर है। 300 है? हाँ, इतना बड़ा कॉर्बेट है जिम कॉर्बेट, 300 टाइगर है। तो इसलिए यहाँ पर 300 टाइगर की जगह है। अब कॉर्बेट इतना बड़ा है सर, सबसे ज़्यादा इंडिया में टाइगर होगी पॉपुलेशन में। अब पहले एक बाघिन एक कब से दे रही थी बाघ मारता, अब एक बाघिन 4-4 कब से दे रही है। हाँ जी, मतलब जैसे लोकल अभी लोग बैठे हुए थे इधर ना नीचे, तो इन्हें कोई रिस्क वगैरह कुछ ऐसे होता नहीं? रिस्क नहीं है सर, इनको थोड़ा एक महसूस होता है यहाँ पर टाइगर का कवर, कहाँ पर टाइगर क्रॉस करता है। एक तो ये टाइगर के क्रॉसिंग स्पीड बैठेंगे अपने टाइम 4-5 बजे बाद अपने टाइम से निकल लेंगे। अच्छा, और फिर दूसरी बात यहाँ पर टाइगर की महसूस खुशबू का एहसास होता है, भुना बकरा उसी से टाइगर की स्मेल आती है। अच्छा, और वो इतनी गंदी आती है स्मेल, जैसे मैंने आग पा टाइगर है। अच्छा, और जो डियर सांबर बाकी डियर भी नहीं होंगे आज, तो बदबू आ रही है तो हंडे पड़े, वो भी टाइगर है। ये कोई अदर ऐसा नहीं होता सर, कॉलिंग भी टाइगर दिखता है, बिना कॉलिंग भी टाइगर दिखता ही है। अच्छा, जंगल में जाते हैं मतलब ग्रुप में ही चले, बात करते हुए चले। हाँ, और खांसते रहना, खांसते रहे, इससे ये होता कोई अदर जानवर आपके रास्ते पर आता है तो वो सोचता है मेरे से बड़ा जानवर है। अच्छा, वो हम वो सोचता है अदर कोई जानवर जाएगा तो वो सोचता है मेरे से बड़ा जानवर चल रहा है। अच्छा, वो आपके वो रास्ता क्रॉस कर लेगा, वो आपके रास्ते में नहीं आएगा। अच्छा, तब टाइगर मूड में, और जब मैंने तब ऐसे जैसे आप फोन में बात लगे, आपका ध्यान फोन पे ही है। हाँ, और जो ध्यान नहीं है कहीं जंगल में बैठे हैं, आप फोन में ध्यान दें। ये एक रिक्शा वाला काम होता है। रिक्शा वाला काम? हाँ, जैसे होता है सर, रिक्शा वाला काम ऐसा होता है, इसमें वहाँ पर डियर आपके आस पास में टाइगर है, टाइगर डियर पे अटैक के मूड में वो आपको भी अटैक कर सकता है। जैसे आप वहाँ फोन में बात कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं है उसको। हाँ, वहाँ पर डियर चुक रही है, आपने डियर देख ली, टाइगर नहीं देखा आपने, डियर चुक रही है, टाइगर नहीं इधर। अभी फिलहाल हमारे साथ नवीन भाई आए हैं शाहविला से, जो वहाँ पे एज अ गाइड भी काम करते हैं। तो उन्होंने हमें बोला है कि आप इस व्यू पॉइंट से देखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक व्यू पॉइंट है जहाँ से चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा दिखने के टाइगर। पानी जा रहा है इधर भी, पानी इधर भी, पानी टाइगर हो गया पानी बचने, जितना टाइगर गर्मी में पानी का पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए सर नदी इतनी पानी, टाइगर आपको कभी भी सको नदी पे बैठा नजर आएगा। अभी फिलहाल तो दूर दूर तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, ये पीछे पूरा पहाड़ है। जो भैया कह रहे हैं कि यहाँ पे खतरा नहीं है कोई, लेकिन हाँ लेपर्ड यहाँ हो सकता है, क्योंकि वो माउंटेन और ऐसी पहाड़ों पे रहना पसंद करता है, और टाइगर जो है प्लेन साइड से, नीचे रिवर साइड है पूरा। ये कौन सा, ये भी कुर्सी है? हाँ सर, रामगंगा किस साइड पड़ता है? रामगंगा मर्चेंट वाली, जो जो गए हैं करेंगे बेस्ट गए हैं। अच्छा, गाड़ी जा रही है नीचे, रामगंगा जा रहे हैं। सामने हो रहे हैं बादल, और एक चीज़ और, आई हैव बीन कमिंग टू जिम कॉर्बेट आई गेस फ्रॉम लास्ट 15-16 ईयर्स, और ये पहली बार है कि मैं ऐसी जगह पे आया हूँ। इट्स अ हिडन जिम फॉर मी, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए होगा जब कॉर्बेट आते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को ये जगह पता होगी। देखिए पूरा जंगल है, गंदगी कर जाते हैं, इसको हम हटा देंगे। कुछ है नहीं गया पे डस्टबिन वगैरह, ये लोग करते हैं ना चुपचाप फेंक पास के आते हैं। क्या बोल फिलहाल यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, काफ़ी सुकून भरी जगह थी। कुछ लोगों ने थोड़ा
कुछ लोगों ने थोड़ा शोर ज़्यादा मचा रखा है, बाकी इट इज़ वेरी पीसफुल। कोई है नहीं यहाँ पे, बहुत कम लोग हैं और ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। आस्ते आस्ते लोगों को पता चल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है जब तक कोई आपके साथ लोकल बंदा ना हो यहाँ का जिसको पता हो। हमारे साथ हमारे नवीन भाई हैं जो हमें यहाँ लेकर आए, और अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। नवीन भाई कौन सी जगह जा रहे हैं आप? कौन सा घाट? भवन घाट। अच्छा भवन घाट, ठीक है। यहाँ से कितनी दूर होगी? 14-15 किलोमीटर। चलो तो अब पहुँच गए हैं हम सुसाइड पॉइंट, और देखते हैं चलते हैं, यहाँ से कुछ दिखता नहीं दिखता। इनका लीडर होगा सिंह वाला, हाँ भैया मेल। अरे जैसे की लंबी लंबी केरा, लंबा वाला सिंह केरा। हालत हो गई है गर्मी से खराब, और हम वापस आ गए हैं शाहविला। ये रहा मेरे पीछे जो हमने बुक करा है, और अभी फ्रेशन अप होके चेंज वेंज करके हम आधे पौने घंटे में फिर निकलेंगे यहाँ से नवीन भाई के साथ, जो हमें ले जाएंगे यहाँ से आगे जहाँ पे हमें चांसेस हो टाइगर देखने के। और शाम को थोड़ा माहौल ऐसा है, कुछ लोग बैठे हुए हैं पीछे यहाँ के लोकल लोग। ये देखिए टाइम टाइम की बात है, अभी यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं और हम भी यहीं हैं। लेकिन बताया जाता है जो मोहन में सबसे फर्स्ट किल हुआ था वो यहीं आसपास का ही हुआ था। तो अब हम निकल रहे हैं मोहन से नाइट सफारी के लिए। एग्जैक्टली नाइट सफारी नहीं है, बट हम अब अपनी तरीके से अपनी तरफ से अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। करना मनोज भैया लाइट बंद, फोन किया ले कॉल मैं आली से नहीं होगा दिखे नहीं। अब राइट में तो क्या दिखेगा क्या, जो भी गाड़ी की हल्की सी रोशनी जा रही है उसकी वजह से पता चल रहा है। बाकी बहुत ही खतरनाक और गाड़ी है, बहुत ही खतरनाक और थ्रिलिंग एडवेंचर वाला सीन हो गया आज जब से निकले, बढ़िया मज़ेदार है ना। तो यहाँ के रास्ते ऐसे हैं, ऊपर से नवीन भाई का शुक्रिया भाई, बढ़िया बढ़िया जगह घुमा रहे हैं। वो बिल्कुल सामने किसी की आंखें, बिल्कुल सामने किसी की आंखें, वो बहुत बड़ी आंखें हैं, बहुत बड़ी आंखें भाई, ये बहुत बड़ी आंखें हैं, ये टाइगर है। चुप चुप शोर नहीं मचाना, वो सोनी उसकी आंखें तू देख यार, वो सही चिल्ला हो गया, देखी तू ना, वो दिख रही हैं सामने, दिख रही हैं बहुत बड़ी हैं वो। वो ये हिरन नहीं है, हिरन नहीं है, इतनी बड़ी आंखें तू ना यार, ये कैमरे में आ नहीं रहा इस टाइम ढंग से, मतलब कॉलिंग हो रही है इस टाइम सांबर डियर की। हम ट्राई कर रहे हैं अपने ही इस विला से कि हमें कुछ दिख जाए यहाँ पे। और टाइम क्या हो रहा है इस टाइम, टाइम हो रहा है 11:30, ऑलमोस्ट 11:40 हो रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं। हम ट्राई करते हैं कुछ दिखे तो आपको भी दिखे। तो अभी हम
यहाँ पे देखिए आप इनके जिनका विला है उन्हीं के पाले हुए ये पालतू हैं बोटिया जो ब्रीड होती है पहाड़ों की। ये सामने देख के बड़ी देर से भौंक रहे हैं और यहाँ पे काफी मूवमेंट चल रही थी, उससे पहले सांबर डियर की कॉलिंग भी हो रही थी और अभी भी आप देखो सामने देख के भौंक रहे हैं काफी देर से। पेड़ पे यही चेक करो पेड़ पे इधर सांबर आवाज मार रहा है, सांबर की जिंदगी हाँ ये लेपर्ड है कहीं ना कहीं लेपर्ड बैठा है किसी पेड़ पे सामने ही बिल्कुल सर ने भी सुनी हाँ पेड़ पे लेपर्ड है ना ये तो पीछे जा रहा है जो भी होगा हाँ टाइगर भी हो सकता है सर ये क्रॉसिंग होता है उसको नक्सल को यहाँ अफसल को यहाँ से ले आया ये नाले से अगर लेपर्ड होता ना तो ये भाग जाते कुत्ते नहीं लेपर्ड ये लड़ता है ना ये कह रहे हैं वाला लड़ता है लेपर्ड से ये वाला जो बैठा है लेपर्ड से लड़ लेता है इनका बोटिया डॉग फिर भौंके ये इधर ही देख के भौंक रहा है सामने ऊपर मतलब यहीं आसपास है या तो पेड़ पे लेपर्ड है सांबर डियर की कॉलिंग हुई है यहीं हुई है बिल्कुल इसको पता है क्या इसको दिख रहा है वही तो मैं पेड़ में देख रहा हूँ।